हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने रेक्टिफायर बनाया है, ब्रिज रेक्टिफायर जिसे हम कहते हैं। और इसमें मैंने ये प्रदर्शित करने की कोशिश की है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि रेक्टिफायर में क्या क्या लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 909 ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कोई भी हो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होना चाहिए। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करे, वोल्टेज को डाउन करे। मतलब जैसे 11,000 वोल्टेज को डाउन करके 220 वोल्टेज आउटपुट देता है ट्रांसफार्मर, उसी प्रकार से ये भी ट्रांसफार्मर होता है जो कि 220 वोल्ट को डाउन करके 909 9 वोल्ट आउटपुट में देता है यहाँ से। ठीक है, तो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और यहाँ पे मैंने ये स्विच लिया है। इस स्विच का मैंने इसमें प्रदर्शित करने के लिए स्विच को यूज किया है। वैसे रेक्टिफायर में इस स्विच का यूज नहीं किया जा सकता। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डायोड लगा हुआ है जिसका नंबर है IN4007। IN4007 मैंने ये दो डायोड यूज किए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये और ये दो डायोड यूज किया गया है। और ये एक कैपेसिटर यूज किया गया है। एक कैपेसिटर को यूज किया गया है फुल डीसी बनाने के लिए। रेक्टिफायर से डीसी तो बन जाता है लेकिन फुल डीसी नहीं होता, इसलिए इससे कैपेसिटर की सहायता से हम उसको फुल डीसी बना सकते हैं। और आगे मैंने इसको मतलब डीसी को देखने के लिए किस प्रकार से चलता है उसको देखने के लिए मैंने यहाँ पे बल्ब लगाया है। पहले आपको इसमें चेक करके दिखाते हैं हम। आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये मेरा कैपेसिटर चार्ज है, इसलिए ये एलईडी जो है जल रहा है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी अभी सप्लाई नहीं जा रही है। ठीक है, अब मैं इसमें ये सप्लाई देंगे, ये अगर हमने इस डायोड को अगर ऑन किया तो हाफ वेव रेक्टिफायर काम करेगा। ठीक है, तो हम इसको अगर ये ऐसे हाफ वेव रेक्टिफायर काम कर रहा है कैपेसिटर के साथ, अगर कैपेसिटर के साथ काम करेगा तो ये ब्लिंक नहीं करेगा, इसलिए मुझे पता नहीं चलेगा कि ये फुल डीसी है कि नहीं है। हाँ, तो इसमें हम कैपेसिटर को डिसकनेक्ट कर देते हैं यहाँ से, तो आप देख सकते हैं ये ब्लिंक कर रहा है। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि जैसे मेरा जो है, यहाँ आप देख सकते हैं इसमें इस प्रकार से मेरा डीसी चल रहा है। इस प्रकार से मेरा ये रहा, बस इस प्रकार से मेरा चल रहा है। ठीक है, तो ये जितना चलता है वही देखिए ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, कैपेसिटर लगाने के बाद ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हम ऑन कर देते हैं। यहाँ देखिए आप, कैपेसिटर को मैंने कनेक्ट कर दिया तो ये पूरी तरह से चल रहा है। तो इसमें अब क्या होगा कि ये जो है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये अब ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये जब पूरी तरह से चलने लगता है, पूरा डीसी नहीं बना लेकिन डीसी की तरह व्यवहार करने लगता है, इसलिए ये पूरी तरह से जलने लगता है। ठीक है, अब फिर अगर मुझे फुल वेव रेक्टिफायर में यूज करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये बंद करना है और ये कैपेसिटर को मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है, अब अगर इसको फुल वेव रेक्टिफायर करना है तो इसको ऑन करते हैं, ये देखिए हाफ वेव के काम कर रहा है, और इसको ऑन करते हैं, ये फुल वेव हो गया। फुल वेव पे ये देख सकते हैं आप, ये पूरी पूरे जल रहा है, लेकिन ये वास्तव में इस कैमरे में दिख रहा है कि पूरी तरीके से जल रहा है, लेकिन ये वास्तव में ये जल नहीं रहा है। ठीक है, ये ब्लिंक कर रहा है लेकिन सेकेंडों में ब्लिंक कर रहा है, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है। और ये देख सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में थोड़ा देर में ब्लिंक कर रहा है, इसलिए मुझे पता चल जा रहा है ये रहा। और अगर कैपेसिटर को हम ऑन कर देते हैं यहाँ से, तो ये पूरी तरह से पूरा डीसी हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा डीसी है। और ये जो है, ये यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हम ले करके प्लस और माइनस को लेकर के हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मेरा ये ब्रिज रेक्टिफायर है। मैंने इसको कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए मैंने बनाया था।